गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? देखिए यहाँ सुबह हो चुका है, चाय पानी सब हो गया है और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। आरवी अभी अभी तुरंत सोई है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को ब्रेकफास्ट। फ्रेंड्स देखिए हम लोगों का आ गया है ब्रेकफास्ट, सब लोग कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। आज संडे है, संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट कचौड़ी है, सब्जी आलू का सब्जी और मालपुआ है मीठा। अब देख सकते हैं रांची वाला सब्जी कैसा था और यहाँ का सब्जी देखिए, रांची में तो मिल नहीं रहा था आलू, खोजने से पूरा आलू खड़ा हुआ देखो। हाँ, आलू और शायद मटर ना दाल कुछ है, समथिंग ठीक है, एकदम ठीक है, पानी एकदम नहीं है। अच्छा सब्जी है। और वेदर की बात किया जाए तो वेदर तो लग रहा है कि बारिश होगा। बारिश हुआ क्या? कैसा बारिश हुआ कि पता नहीं चला, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है। चलिए हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दही मथ रही है दीदा, और क्या बनेगा दीदा? मैंगो लस्सी। और ये रहा आम का प्यूरी, इसमें ऐड होगा और घर पे ही होममेड बन जाएगा मैंगो लस्सी। संडे का खाना का तैयारी चल रहा है। देखिए जब बन जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और उस रूम में है अभी आरवी, सो रही है और आरवी के पापा क्या कर रहे हैं मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए मस्त एकदम ग्रीन लाइट जला के, और ये देखो इस इंसान को संडे मना रहा है। हाँ हाँ सही है। और ये इसको तो पता है तेल लगा के ये कपड़े नहीं पहनेगी, इसी नहीं चलाएं क्योंकि बाहर का वेदर एकदम थोड़ा वो किया हुआ है, बारिश हुआ, बारिश जैसा ऐसे ह्यूमिडिटी कम नहीं किया है, लेकिन फैन के साथ टॉलरेट किया जा रहा है इसलिए सोइए यहाँ पे। और ये भी इसके बगल में वीडियो देखते रहते हैं। चलो गाइज मैं मिलती हूँ आप लोगों से जब लस्सी बन जाता है तो। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, देखिए अभी दोपहर हो गया है और हम लोग का ठंडा ठंडा रिफ्रेशमेंट आ गया है। वैसे बाहर का वेदर तो अभी पहले से बहुत ही बेटर है, बारिश हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है बाहर। वहाँ पे देखिए ये आ गया है मैंगो लस्सी है ना, ये मैंगो लस्सी है, होममेड मैंगो लस्सी है, घर पर बना हुआ। देखिए ये सब जो ऊपर देख पा रहे हैं ये सब नमक दिया हुआ है, सिंधा नमक है ना, ये काला नमक, काला नमक, अच्छा काला नमक दिया हुआ है। और ये दोनों में दिया हुआ नहीं है, ये मेरा है तो मैं बिना नमक वाला ले रहा हूँ मैंगो लस्सी। देखिए होममेड, गर्मी के दिन में बहुत अच्छा रिफ्रेशमेंट है। और अभी मैंगो इस साल इतना ज़्यादा हुआ है कि मतलब हम लोग मतलब डेली मैंगो खा रहे हैं या कोई चीज़ में देखे पी रहे हैं, लेकिन मैंगो ख़त्म नहीं हो रहा, इतना मैंगो है इस बार। तो चलिए हम लोग मैंगो लस्सी इंजॉय करते हैं अपना, और फिर आप लोग से लंच टाइम में मिलते हैं डायरेक्ट। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, अभी देखिए लंच टाइम हो गया है। जैसे उस टाइम आप लोगों को बता रहे थे कि लंच दिखाएंगे, आज देखिए संडे स्पेशल लंच है। तो ये है प्रॉन फ्राइड राइस घर पे बना हुआ, ये छोटा छोटा प्रॉन है चिंगड़ी, और ये है कतला का जो अंडा आता है उसका बड़ा है, फ्राई है, तो कतला का अंडा का बड़ा, प्रॉन फ्राइड राइस। और यहाँ देखिए चिकन है, ये सब चिकन मेरे लिए गए, इतना सारा आपको ही खाना है। अच्छा ये मेरे मुझे खाना है, मेरे लिए रखा हुआ है, देखिए मेरे प्लेट के बगल में बैठा दिया गया चिकन को। तो आज का लंच हम लोग का यही होने वाला है, संडे स्पेशल लंच। तो चलिए लंच करते हैं हम लोग सब, देखिए सबका लंच आ गया, अब सब बैठने वाले एक एक करके, लंच ख़त्म करते हैं फिर आप लोग से शाम को डायरेक्ट मिलते हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी देखिए शाम हो गया है और हम लोग चाय वाय अपना जो पीना था वो सब पी ली के फ्रेश हो गया है, कपड़ा वपड़ा चेंज करके अभी निकल पड़े हम लोग। अभी हम लोग जा रहे हैं घोड़ा बाजार। आप लोग को पिछला बार जब कलकत्ता आए थे उस बार आप लोग घोड़ा बाजार दिखाए थे, पूरा मार्केट दिखाए थे, तो इस बार भी हम लोग घोड़ा बाजार ही जा रहे हैं, कुछ काम है तो काम करने जा रहे हैं, देखते हैं कुछ चेंज हुआ है कि नहीं घोड़ा बाजार में एक महीने में, और आप लोगों को भी दिखाते हैं। चलिए घोड़ा बाजार चलते हैं, हम लोग टोटो से जा रहे हैं, ई रिक्शो जो होता है, गाड़ी लेकर नहीं जा रहे, तो चलिए घोड़ा बाजार चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं वहाँ का। देखिए फ्रेंड्स हम लोग घोड़ा बाजार पहुंच गए हैं, और देखिए एज यूजुअल जैसे रहता है घोड़ा बाजार, चहल पहल पूरा सेम है, पूरा भीड़ है, देखिए दूर तक देख पा रहे हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अपना काम पे और फिर आप लोग से
दिखाते रहते आप लोगों को भी गोरा बाजार का। कुछ चेंज नहीं हुआ है, बदला नहीं है एक महीने में, सेम टू सेम है एक महीने में। बारिश हुआ है तो देखिए हल्का पानी पानी जमा हुआ है, कीचड़ भी है, हल्का बारिश में ये हाल है। देखिए फ्रेंड्स अभी हम लोग गोरा बाजार में शॉपिंग कर रहे हैं, पीछे देखिए शॉपिंग चल रहा है। और अभी हम लोग एक नया चीज़ लिए है गोरा बाजार से, जिससे अभी ब्लॉग कर रहे हैं, आप लोगों को घर जाकर दिखाएंगे कि क्या चीज़ लिए। सस्ता में लिए, मार्केट में मिल रहा था तो ले लिए, आप लोगों को दिखाते हैं क्या लिए घर जाके। अभी जो ब्लॉग आप लोग देख रहे हैं, अभी जो ये वाला पार्ट है ये वहीं से शूट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, उसी से शूट कर रहा हूँ। देखिए पीछे शॉपिंग चल रहा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है देखने में। না বলছি তুমি ভালো ব্যাটারি দেবা ভালো হ্যাঁ ভালো ব্যাটারি দাও ঠিক আছে ভালো আর নিচে লেম লাগিয়ে নে রে টেঙ্গি বল লাইটিং वाला আর ধর ও বল খুঁজি দিয়ে এটা কি ড্রেস वाला সব কোন রে फ्रेंड्स देखिए यहां पे एक तो मैं थोड़ा बाड़ी लिया जा रहा है, ये वाला डिजिटल घड़ी क्योंकि आर भी देखती है तो राशि के लिए लिया जा रहा है, यहाँ खड़ी दे रही है हमें चेक कर रहे हैं। ये वाला जो घड़ी का शॉप देख रहे हैं, माँ लोग बता रही है कि सब बहुत पुराना दुकान है क्योंकि यहाँ पे हमेशा खरीदती है। सारा घड़ी आप लोग यहीं से खरीद रहे हैं ना? 15-20 साल से ऐसे खरीद रहे हैं। हां 25-5 से खरीद रहे हैं। कारण तू तो इधर दिला है कि नहीं सीधा लगा हुआ है वाले। हां आगे चलाने के लिए प्लग लगाना पड़ता है ना? हां जी करें लग जाए। फ्रेंड्स देखिए बाजार में एक मुझे नया फल दिखा है, बेटा की बोले दादा आसफल वाला आसफल, ये एक्चुअली लीची जैसा दिखता है, मैं अभी एक ट्राई की हूँ, एक ठेले के पास से ट्राई की हूँ, पूरा छोटा छोटा होता है और लीची के जैसा दिखता है इतना बड़ा है ना। ये देखिए भैया के पास है, पूरा भरा हुआ है ये बाजार में। फ्रेंड्स देखिए अभी हम लोग मार्केट में हैं और मार्केट में एकदम पूरा फल भरा हुआ है, नया नया फल है वहाँ, चेरी भी है, हर तरह का फ्रूट्स आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये है गोरा बाजार का मार्केट, गोरा बाजार का मार्केट में है, अंदर हम लोगों को काम है। पीछे ये देखिए आम, इस बार आम पूरा भरा हुआ है, आम इतना सारा आम। ये बाजार में आपको सब कुछ मिल जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे अंदर घुसेंगे और कुछ कुछ सामान लेना है जो हम लोग परमानेंट यहीं से लेते हैं, अभी दिखाती हूँ आपको। फिश मार्केट अंदर का दिखाया होगा आपको पिछले बार का ब्लॉग में, देखिए यहाँ पे सब्जी हो गया, आलू हो गया, अंदर आने के बाद यहाँ पे फिश का स्मेल आता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे भी शॉपिंग चल रहा है गोरा बाजार का मार्केट के अंदर, नहीं देखा टोटल सब कुछ है, वहाँ जब थी तब देखी थी। हम लोग भगवान जी के लिए प्रसाद ले रहे हैं, इसको लोग बाताशा बोलते हैं, ये गुड़ वाला नाड़ू रख लो कत करोगे। और बाकी भी देखिए सब सामान है यहाँ पे अलग अलग, अंधेरा है बहुत, आप लोगों को कितना अच्छे से दिख रहा होगा पता नहीं, लेकिन टोटल सब कुछ मिल जाता है ए टू जेड सामान गोरा बाजार में। ये देखिए आपको ड्राई फिश मिल जाएगा यहाँ, सूखा हुआ मछली, मछली सूखा कर धूप में सूखा हुआ, क्या सूखी माछ, सूखी माछ बोलते हैं इसको, मछली को सुखाया हुआ ड्राई फिश है। फ्रेंड्स देखिए गोरा बाजार में हम लोग का काम खत्म हो गया और अभी हम लोग रिटर्न आ गए हैं घर। बहुत गर्मी है बाहर, बाप रे इतना गर्मी में शॉपिंग करना बड़ा मुश्किल काम है। आरवी का हालत देखिए कैसा हो गया, पीछे 3 घंटा लग गया, पूरा थक गई है। चले हम लोग फ्लैट पे चलते हैं अंदर और फिर फ्रेश होकर फिर आप लोग से मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स यह आरवी का नया खिलौना आ गया है,
आरवी का नया खिलौना है ये, गोरा बाजार से लिए, आप लोगों को दिखाया जा लिया है। इसमें लाइट जलता है, गाना बजता है और देखिए चलता भी है ये। ये एंग्री बर्ड है, एक्चुअली एंग्री बर्ड का है। फ्रेंड्स देखिए आज का डिनर आ गया है। तो डिनर में आज है पराठा, ये मैदा और आटा का मिक्स्ड वाला पराठा है, दोनों ही है, मैदा आटा दोनों है इस पर। ये चिकन है, आप लोगों को सुबह भी दिखाए थे चिकन, देखिए चिकन है यहाँ पे। और यहाँ पे मीठा है, आप लोगों को कल का ब्लॉग में भी बताया है कि कलकत्ता में आए और मीठा डेली नहीं ट्राई किया तो फिर तो बहुत मिस हो जाता है, तो डेली मीठा चलता ही है कलकत्ता आने के बाद। और ये तो मैंडेटरी है अभी आम का सीजन में, हिंसा का आम। तो ये हम लोग का डिनर होने वाला है आज का, आप लोगों को दिखा लिए। आरवी अभी खेल रही थी खिलौना से, आप लोगों को खिलौना दिखा दिया जो गोरा बाजार से खरीद के लाए, उससे खेलना चाह रही है और वो हाथ से जैसे निकल जा रहा है बहुत गुस्सा हो रही है वो देख के, तो उसके हाथ में पकड़ के रखना चाह रही हो खिलौना को। चलिए हम लोग डिनर कम्प्लीट करते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं। फ्रेंड्स हम लोग का डिनर कम्प्लीट हो गया है और अभी बस अब सोने जाने वाले हैं एज यूजुअल। रात हो गया लगभग 12:30 बज गया रात का, कितना लेट से डिनर किया आप लोग सोच लीजिए। गोरा बाजार से आते आते लगभग 11 बज गया था, इसलिए लेट हो गया, मेन कारण वही है। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यही पेंट करते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नया ब्लॉग के साथ। अगर आज वाला ब्लॉग आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट कर दीजिए, और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल।